हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बढ़िया जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। आज हम पहुँचे हैं मोगे के पास, टुड्डीगे पिंड है, जो चूड़चक पिंड है वहाँ पहुँचे हैं। तो वहाँ गाइस मैं आपको पहुँचाऊँ, वहाँ मैं आपको पूरे पिंड का जो टूर है वो दिखाऊंगा, घूम के दिखाऊंगा कि वहाँ क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है। तो इस टाइम अभी खड़े हैं यहाँ पे, हम अभी खेत में खड़े हैं। तो उसके बाद मैं आपको पिंड में लेके जाऊंगा, पिंड विलेज है जो, उसको दिखाऊंगा आपको, मार्केट दिखाऊंगा थोड़ी बहुत, जितनी के मैं वीडियो बना सका उतना मैं आपको दिखाऊंगा। तो बनी रहिए वीडियो के साथ गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, ये देखिए कितनी अच्छी जगह है। आपने हमारे पंजाब में देखेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे गांव हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे सजावट की हुई है जहाँ पे हमारे गांव में होते हैं जो। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। तो गाइस, ये है यहाँ पे बैठने के लिए जगह, जो बुजुर्ग बैठते हैं यहाँ पे आगे और ताश वगैरह खेलते हैं, बैठ के बातें मारते हैं, यहाँ पे टाइम पास बढ़िया से हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पे भी ये देखिए बहुत सारे जो हमारे नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, मतलब जो भी हमारे नेता हैं, MLA सब हैं, उनकी जो पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह लगा रखी है। ये हमारे बापू जी भी बैठे हैं। तो गाइस, ये है हमारा घर, हमारा गांव वाला घर। तो ये जगह भी देख लीजिए कितनी अच्छी जगह बैठने के लिए, बुजुर्गों के बैठने के लिए, मतलब कोई भी यहाँ पे आके बैठ सकता है, खेल सकता है बैठ के। ये देखिए टेबल कुर्सियाँ भी लगा रखी हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत टेबल और कुर्सियाँ। और ये देखिए बैठने के लिए जगह कितनी अच्छी जगह बना रखी है गाइस। तो गाइस, एक चीज़ मैं आपको दिखानी भूल गया, ये है गाइस यहाँ पे दरगाह जय बाबा जी की।
और गाइस एक चीज़ और है यहाँ पे, ये दरवाज़ा देखिए कितना सुंदर बना रखा है। ये दरवाज़ा भी आपको दिखा देता हूँ मैं, बहुत ही अच्छा जो ये सीन है ये देख लीजिए गाइस, कितना सुंदर। कैप्टन सुधाकर सिंह ढिल्लों जी आया ना यहाँ पे, उनकी यादगिरी में दरवाज़ा बना रखा है। तो बस ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे पिंड में। वैसे ऐसे ही बहुत सारी जगह है जो हमारी निगाह से छुपी रहती है, तो उनको दिखाने के लिए हम पहुँच जाते हैं। तो वैसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ठोक दीजिए, और अगर आपको कुछ कमेंट में पूछना है तो कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। अगर किसी ने और भी कुछ चीज़ देखनी हो पिंड में, कोई किसी को अच्छा हो तो मना हो तो मेरे को बता सकता है, मैं वहाँ जाकर उनके लिए एक वीडियो बना दूँगा। सो गाइस अब लाते हैं कैमरा। तो गाइस फाइनली वीडियो हो गई कंप्लीट। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आर्यन बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। तो गाइस ये देखिए हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये जो पिंड है, जो विलेज है, वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें लगाई हुई हैं। बुद्ध शहीद भगत सिंह जी का जय हिंद, सभी के पीछे पोस्टर लगाए हुए हैं शहीदों के। तो बस ऐसे ही बहुत अच्छा पिंड की जो डेकोरेशन की हुई है, बहुत ही खूबसूरत की हुई है। चलिए आगे चलते हैं, आगे का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। तो गाइस आज है दिवाली, तो आज लोग दिए जलाएंगे मंदिरों में, गुरुद्वारों में और दरगाहों में, जहाँ कहीं भी लोग बुझाएंगे दीवे। तो हम भी चल रहे हैं, देखते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ पे लोग दिए जलाते हैं। और ये हम पिंड का थोड़ा सा जो विलेज है वहाँ थोड़ा घूमने आए हैं, तो दिखाता हूँ आपको साथ साथ में। ये लोगों के घर बने हुए हैं, लोगों के बाहर दुकानें बनी हुई हैं। तो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। और जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं मैं सारी आपको दिखा देता हूँ। दो तीन थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर की चीज़ भी दिखाता हूँ, मंदिर भी आपको दिखाता हूँ। बने रहिए वीडियो तक। तो गाइस ये है यहाँ का छप्पड़, जिसको हम टोबा बोलते हैं। छप्पड़ होता है जो जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा खड़ा होता है, उसको बोलते हैं टोबा। तो है छप्पड़। तो गाइस ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, यहाँ पे आज बहुत सारे लोग हैं जो दिए जलाने पहुंचे हुए हैं। तो हम भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे देखने के लिए कि क्या क्या रीति रिवाज है यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हो सबने प्रसाद चढ़ाया हुआ है यहाँ पे, और बहुत सारा सामान यहाँ खाने के लिए रखा हुआ है, प्रसाद चढ़ाया हुआ है। लोग अपनी अपनी जो फसल है, फसल काट के, काटने के बाद जो सामान ला के यहाँ पे चढ़ाते हैं, अपनी फसल भी चढ़ा के जाते हैं, सारा सामान यहाँ पे चढ़ा के जाते हैं। ये देखिए बस, चलिए आगे चलते हैं, आगे भी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस चलिए आगे चलते हैं, अब
आगे का दिखाते हैं, जहाँ पे लोग दिए जगाते हैं, अपने मन्नतें मांगते हैं, यहाँ पे जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वो यहाँ पे आके प्रसाद चढ़ाता है, कोई कोई अपनी फसल चढ़ाता है, कुछ भी मतलब जो उसकी फसल लगी होती है वो फसल चढ़ा के जाते हैं यहाँ पे। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर। तो आज दीपावली है, ये हनुमान जी के आगे भी दिए जलाए हैं लोगों ने। तो कहीं यहाँ पे माथा टेकने के बाद हम चलते हैं आगे। आगे का दिखाता हूँ आपको कि आगे कहाँ पे कहाँ कहाँ पे करते हैं लोग दिए जलाते हैं। ये काली माता का मंदिर है। बस चलिए आगे चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं आपको। तो तकरीबन यहीं तक है जो लोग दिए जलाने आते हैं, अपनी अपनी मान्यता है सबकी। तो यहाँ पे जिस जिसकी श्रद्धा है उसी हिसाब से अपने अपने दिए जलाते हैं लोग। तो गाइस चलिए आगे का सीन दिखाता हूँ आपको। हेलो, ओ दे बर्ड। हेलो गाइस, तो देखिए ये बर्ड देखिए कितने सुंदर हैं, नीले नीले ब्लू कलर के बर्ड्स हैं। ये यहीं ऐसी जगहों में रहते हैं, ये दलदली एरिया में। अरे बर्ड कितने सोने नीले नीले, है ना। तो गाइस ये देखिए पूरा एरिया देख सकते हो आप, ये विलेज है चूड़चक विलेज, जो मोगे के पास पड़ता है, जितवाल के पास चूड़चक पिंड है, वहाँ पे आए हुए हैं। तो वो देखिए गाइस वहाँ पे भी कुछ लोग, वो देख सकते हो आप वहाँ पे भी लगे हुए हैं। मतलब जो जो लोग जैसी जैसी मानता है वैसे वैसे अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से लोग अपने अपने मतलब दिए जलाते हैं। तो ये पक्षी देख लीजिए कितने अच्छे भाई। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। तो गाइस ये देखिए रोड कितनी बढ़िया है, छोटी सी बिल्कुल रास्ता, बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते जैसे गांव में पिंडों में होते हैं,
तो चलिए यहाँ पे मार्केट भी दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है, छोटी सी। ਵਧੀਆ ਨੇ ਭੀੜ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰੇ मार बहुत है। तो कुछ नहीं कहता यार, तो गाइस ये देखिए कितना अच्छा सजाया हुआ है यहाँ पे दीवे लगा लगा के, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आज दिवाली का दिन है, बहुत ही अच्छा नज़ारा। तो गाइस सारा पिंड हमने घूम लिया है, बहुत ही सब जगह बहुत ही बढ़िया जगमग जगमग हो रही है हर जगह पे, हर जगह में नज़ारा है, हर जगह में बहुत ही लोग खुशियाँ मना रहे हैं। त्यौहार दिवाली का त्यौहार है जो बहुत ही खुशियों से सेलिब्रेट कर रहे हैं गाइस। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर ठोकिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई नहीं, एक ला दे बस, आ नुक्कर ते ला दे बस, बाकी उधर ला देने। रख दे रख दे। तो गाइस फाइनली दिवाली में पटाखे चलने शुरू हो चुके हैं, आप देख ही सकते हो कि हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं पटाखे चलने की, तो सब जगह पे लाइटिंग ही लाइटिंग है, हर तरफ पटाखे चल रहे हैं गाइस सब जगह में। ये देखिए, तो गाइस अभी हमारी जो वीडियो है उसका एंडिंग होने वाली है, दी एंडिंग आज की, मतलब आज की जो है हमारी वीडियो उसकी जो हम हैप्पी एंडिंग करने जा रहे हैं गाइस। तो सभी को मेरी तरफ़ से हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं,
हमारी तरफ से। मैं हूं मुखिंदर सिंह और आप देख रहे हैं मिस्टर एक्सप्लोरर। तो गाइस सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैप्पी दिवाली की। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में शुभकामनाएं जरूर लिखिए, हैप्पी दिवाली जरूर लिखिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। तो गाइस ये है हमारे सरदार भगत सिंह जी, जिन्होंने हमारे देश को गोरों से, अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी। ये है हमारे देश के योद्धा, जिनका नाम है सरदार भगत सिंह जी। सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इनको सल्यूट ठोकते हैं। इनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इनकी शहादत के लिए प्रणाम, और हमारे चैनल को लाइक भी जरूर करिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। हैप्पी दिवाली सो ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी जाए और आप हमेशा हंसते खेलते रहें, खुशियाँ मानते रहें, तरक्कियाँ परमात्मा रात तरक्कियाँ बख्शे आपको, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। सो ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए।